छपरा में जहरीली शराब से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मशरक में पहुंची है, जहां मशरक के बहरौली सहित अन्य गांवों में घर घर जाकर मृतक के परिजनों से जानकारी एकत्रित कर रही है कि आखिर घटना कैसे हुई, जो मौतें हुई है उसका कारण क्या है, अगर शराब से मौत हुई है तो वह शराब कहाँ से पिए थे, फिर उसके बाद घर पर परिजनों को क्या बताया, कब शरीर में हरकतें होने शुरू हुई, उसके बाद कब अस्पताल पहुँचाया गया, अस्पताल में क्या व्यवस्थाएँ मिले, फिर उन्हें जब रेफर किया गया तो फिर अस्पताल के द्वारा क्या सुविधाएं दी गई, क्या निजी एम्बुलेंस से गए थे या फिर सरकारी एम्बुलेंस से गए थे, फिर वहां उचित सुविधा मिल पाई थी या नहीं मिल पाई थी, पटना जाने के दौरान उनके साथ क्या हुआ इलाज और कैसे हुआ, और फिर जो सरकार है उनके द्वारा क्या सहायता मिली, इन बिंदुओं पर जो है वह जाँच कर रहे हैं और परिवार वालों से सभी बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मरने वाले किस तरह के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरह से वह कमाते थे, कहां शराब पिए थे, इन सभी पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बहुत चीज पूछला कर लो कहे के मतलब कि मैंने ये सब घटना भइल बा तमन दारू शराब के कहां मरलन कहां ले गईनी कब मरलन का नाव हो का करत रहल हो वे सब लिख के ले गईल कब गो बच्चा बा कितना देर ले बैठल बड़ी देर से एक आदमी बैठल नहीं है सब लिख के ले गए अभी तो जाते बनी है ने। तो का नाम परी हमार सुमित्रा कुंवर हमार बेटा रहा रुपेश रुपेश